नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिद्धांत क्लासेस पे आपका स्वागत है। और रसायन विज्ञान में हम लोग अब विलेयता का अध्ययन करेंगे कि विलेयता क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। तो आप जानते हैं कि विलेय पढ़ चुके हैं, तो विलेय और विलायक दो ही चीजें हैं। विलेय प्लस विलायक, इन्हीं से क्या बनता है? विलयन बनता है। तो हमको विलेयता को बताने के लिए, सॉल्युबिलिटी को बताने के लिए विलेय और विलायक से ही हम बताएंगे। लेकिन विलेयता को परिभाषित करने के लिए ताप को निश्चित कर दिया जाता है, क्योंकि ताप बदलने पर विलेयता बदल जाती है, अर्थात विलेयता क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। तो इसका डिफिनेशन देने के लिए सबसे पहले आप कीजिए क्या कि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, ताप को आप क्या कर दीजिए? कॉन्स्टेंट। निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में कितना विलेय घुल सकता है, कितना विलेय घुल सकता है, यही क्या कहलाता है? विलेयता। ध्यान दीजिए, विलेयता को बताने के लिए आप यही कहेंगे पहले निश्चित ताप पर। ताप आपका क्या हो? कॉन्स्टेंट हो, जो टी है से आप क्या कर देंगे? कॉन्स्टेंट कर देंगे निश्चित ताप पर। और विलायक की एक निश्चित मात्रा हो, विलायक की मात्रा क्या हो? निश्चित हो। तो उसमें कितना विलेय घुल सकता है, मतलब कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, और जितना ये घुलेगा उसकी मात्रा ही क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। या दूसरे प्रकार से भी इसका एक डेफिनेशन दिया जा सकता है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, किसी पदार्थ की वह मात्रा किसी पदार्थ की मात्रा जो स्थिर ताप पर, टी क्या हो? कॉन्स्टेंट। सौ ग्राम विलायक में घुल सके तो उसको भी हम क्या कहलाते हैं? विलेयता। क्या कहते हैं? विलेयता। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो स्थिर ताप पर, अर्थात टी क्या हो? कॉन्स्टेंट, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, यह उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। गैसों की द्रव में विलेयता, पहला हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों की द्रव में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये निश्चित नहीं है कि कोई गैस कितना द्रव में घुलेगी, उसके प्रकृति पर निर्भर करेगा। कुछ गैसें ज्यादा घुलनशील होंगी, कुछ गैसें कम घुलनशील होंगी। जैसे द्रव, गैसों की द्रव में विलेय ले लें H2O, H2 और गैस तो O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस जो है, ये जल में क्या है? कम घुलनशील है, बहुत कम घुलनशील है। और CO2 क्या है? इससे अधिक घुलनशील है। फिर हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये क्या है कि ये इससे भी अधिक घुलनशील है, ये इससे भी अधिक घुलनशील है। तो हमने आपको बताया
कि गैसों की द्रवों में विलेयता क्या होती है, भिन्न भिन्न होता है। अब ये निर्भर करता है कि गैस की प्रकृति कैसी है। अब जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि ऑक्सीजन कम घुलनशील है, CO2 क्या अधिक घुलनशील है, अगर हाइड्रोक्लोरिक गैस लेते हैं तो ये क्या है, इससे भी अधिक घुलनशील है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कौन कौन से ऐसे कारक हैं कि जो गैसों की द्रव में विलेयता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस की प्रकृति को देखते हैं, किसको देखते हैं, गैस को, गैस की प्रकृति को देखते हैं। तो जितनी भी आयनित होने वाली गैसें होती हैं, ऐसी गैसें जो क्या हो जाए, आयनित हो जाए, आयोनाइज हो जाए, तो वह द्रव विलायक जैसे जल में आसानी से घुल जाती है। तो आयनित होने वाली गैसें जैसे HCl, NH3, CO2 आदि और भी गैसें हैं। तो गैसों की प्रकृति कैसी हो, आयोनाइजेबल मतलब आयनित हो जाए, तो ये क्या होती है कि द्रव विलायक अर्थात H2O जल में आसानी से घुलती जाती है। अगला है कि विलायक की प्रकृति, हम देखते हैं कि विलायक का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो आप ये रूल जानते होंगे कि यदि विलायक ध्रुवीय है तो उसमें ध्रुवीय विलेय ही घुलेगा, यदि विलायक अध्रुवीय है तो उसमें अध्रुवीय ही घुलेगा, क्योंकि विलेयता के लिए या तो दोनों ध्रुवीय ध्रुवीय हो या तो दोनों क्या हो, अध्रुवीय अध्रुवीय। तो आप सीधे से इसमें यही कहेंगे कि ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाते हैं। अर्थात इसमें देखेंगे कि विलायक ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, इसमें आप केवल विलायक की प्रकृति देखेंगे कि वह ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, पोलर नॉन पोलर। तो विलायक की प्रकृति ये हो गई। आप नेक्स्ट देखेंगे ताप का प्रभाव, किसका प्रभाव देखेंगे, ताप का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव में हम बात करते हैं तो गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, आप गैस को द्रव में घोल रहे हैं, इसमें घोल रहे हैं द्रव में, तो यह जो प्रक्रिया होती है आपकी, यह उष्मा क्षेपी होती है। ध्यान दीजिएगा, जब गैस को द्रव में घोलते हैं तो प्रक्रिया कैसी होती है, उष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज ऑफ हीट, उसमें से उष्मा निकलेगी। और अगर आप ताप बढ़ा देंगे, एक तो उसमें से उष्मा निकल रही है और यदि आप ताप बढ़ा देंगे उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप इसमें ये बात करेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता जो है यह एक उष्मा क्षेपी प्रक्रम है कि इसमें खुद उष्मा निकलती है और यदि हम इसमें ताप बढ़ा देते हैं तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है, क्यों घटती है, रीजन भी आप बताइए, क्योंकि जब गैस को आप द्रव में घोलते हैं तो वह एक उष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है, उसमें खुद उष्मा निकलती है और अगर आप ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, और उष्मा बढ़ जाएगा, तो उसको निकलने में टाइम लगेगा, तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अर्थात ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को H2O में डिजॉल्व किया जाए,
कार्बन डाइऑक्साइड को किस में डिजॉल्व किया जाए? H2O में। तो यह है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनता है, H2CO3। और इसमें ऊष्मा क्या हो जा रहा है? निकल रहा है। ये जो निगेटिव सिंबल है बीच का, ये बता रहा है कि ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। तो इसमें अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो विलयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब ये तीन प्रभाव हो गए। अब हम आगे इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। चौथा जो है समायनन प्रभाव, ये देखते होंगे कभी कभी कहीं पूछ देता है एक दो नंबर में, समायनन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। तो हम पढ़ जा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है? गैसों की द्रव में विलयता, गैसों की द्रव में विलयता, अर्थात किसी द्रव में अब क्या घूम रहे हैं? गैस घूम रहे हैं। तो जिस गैस को आप घोल रहे हैं उसका कोई आयन पहले से ही द्रव में उपस्थित हो, उसका कोई आयन द्रव में क्या हो? पहले से उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए कि आप HCl द्रव में घोल रहे हैं, द्रव आपका क्या है? H2O। और इसमें पहले से ही Cl आयन क्या हो? उपस्थित हो। इसमें पहले से ही क्या हो? Cl आयन उपस्थित हो। और ये जो गैस आप घोलेंगे तो ये भी आयनाइज होगा, तो इसमें भी क्या होगा? Cl माइनस होगा। तो इस गैस के इस द्रव में घुलने की दर कम हो जाएगी, घुलने की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही कहलाता है समायनन प्रभाव। एक बार फिर से हम समझेंगे कि जिस पदार्थ को हम द्रव में घोल रहे हैं, तो यहां पर आपको गैस घोलना है, तो जब गैस को द्रव में हम घोल रहे हैं तो उस द्रव का एटलीस्ट कोई एक आयन उस द्रव में पहले से उपस्थित है, मतलब द्रव में कोई पदार्थ पहले से ही घुला है, द्रव में कोई पदार्थ पहले से घुला है जिसके कारण उसमें Cl उपस्थित है। तो जिस गैस को हम घोल रहे हैं उसका कोई एक कॉमन आयन इसमें पहले से उपस्थित हो, तो इसके घुलने की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यही क्या कहलाता है? समायनन प्रभाव। अब जो नेक्स्ट है, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा टॉपिक क्या है? गैसों की द्रव में विलयता, गैसों की द्रव में विलयता। गैस को आप द्रव में घोल रहे हैं तो आप जानते हैं कि गैस का अगर दाब बढ़ाया जाए, गैस में क्या किया जाए? दाब बढ़ाया जाए तो उसका आयतन कम होता है, क्योंकि गैसों को कंप्रेस हम कर सकते हैं। अगर कोई गैस है तो उस पर आप दाब लगाते हैं, दाब प्रेशर, तो गैस का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गैस का आयतन क्या हो जाता है? कम। और गैस का आयतन कम होने का मतलब उस द्रव की सतह में आ जाएगा और तेजी से घुल जाएगा, अर्थात जब हम दाब लगाएंगे तो गैस का आयतन कम होगा, उस द्रव में क्या हो जाएगा? आसानी से घुलेगा और विलयता क्या हो जाएगी? देखिए सीधी सी बात है कि गैस, आप जानते हैं कि गैसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में दूर दूर होते हैं, तो जब उन पे हम दाब लगाएंगे तो उनका आयतन कम हो जाता है, तो आयतन कम होने के कारण वो द्रव की सतह में आते हैं, निचले हिस्से की ओर आते हैं और आसानी से घुल जाते हैं, तो घुलने का मतलब विलयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसी के संबंध में हेनरी का नियम है जो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए एक चीज आपसे आज हम कहना चाहेंगे कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर कहीं भी कोई भी बात आपको दिक्कत करती है तो आप कमेंट में दीजिए, ताकि हम समझें कि हमसे भी क्या कमी हुई है, या अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और एक दूसरे से साझा भी करते रहें। धन्यवाद।